जेनरली इट्स वन ऑफ दोज फिल्म जो कि आप कैरेक्टर या कहानी से परे जाके साइन करते हैं। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो बात इतनी जरूरी है, और वो सबसे अच्छी ये बात थी उसके बारे में कि हमने जिस तरीके से हम उस बात को आगे रख रहे हैं वो बहुत एंटरटेनिंग वे में रख रहे हैं। बात यहाँ पे किसानों की हो रही है, यहाँ पे शहर में रहते यंगस्टर्स की हो रही है जिनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं एंड दे वॉन्ट टू एंड देयर लाइफ बट दे डिसाइड टू गो टू अ विलेज एंड यू नो उनकी जो नॉलेज है उसको किसानों को किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं उसके लिए लगाते हैं। एंड जेन्युइनली मैंने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मुझे ये लगा था कि अगर एक्चुअली ये फिल्म बनाने के बाद अगर शायद एक 10 किसान भी इस चीज से सीख पाएं कि कैसे विद न्यू टेक्निक्स यू नो दे कैन इम्प्रूव देयर फार्मिंग एंड एवरीथिंग, तो आई थिंक हमारा पर्पस जो है वो शायद पूरा हो जाएगा इसके लिए। सो डेफिनेटली इट्स मोर देन एनीथिंग, इट्स द मैसेज ऑफ द फिल्म। ऑनेस्टली ऐसा कभी सोचा नहीं मैंने। ये हालांकि एक स्क्रिप्ट ऐसी थी जैसा हमने पहले भी बात करी कि वो स्क्रिप्ट और कहानी से कैरेक्टर से थोड़ा ज्यादा थी, इस चीज के बारे में अगर हम बात कर पा रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे याद है बचपन में मॉम एंड डैड मनोज कुमार जी जो फिल्म्स करते थे किसानों के बारे में, यू नो उनको दे यूज्ड टू बी रियली प्राउड के कोई है जो उन लोगों के बारे में बात करता है जिनकी वजह से हमारे पेट में खाना जाता है, यू नो वी स्लीप वेल एट नाइट। तो बात बस हुई थी कि जब इस चीज की बात हुई तो मुझे ऐसा लगा कि इससे जुड़ना चाहिए। एंड गंभीर बात होने के साथ साथ, और सिर्फ किसानों के बारे में ही नहीं, जैसा आपने देखा मैं और अनंत फिल्म में दो यंगस्टर्स जो कि काम करते हैं, और आई थिंक हम सब लोगों में जब तक हम सो कॉल्ड सक्सेस नहीं पा लेते हैं अपनी लाइफ में काफी परेशान रहते हैं कि यू नो ये सोचा नहीं था और थोड़ा बेटर होना चाहिए था लाइफ में। लेकिन कैसे उन चीजों की वजह से आप कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो कि नहीं लेने चाहिए, एंड व्हेन यू गेट टू रियलाइज कि यार आप तो फिर भी बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, कई और लोग ऐसे हैं जो कि आपसे भी बहुत बदतर है। सो दीज थिंग्स यू नो अबाउट फार्मर्स एंड द यूथ ऑफ आर कंट्री, जब ये दोनों चीजें साथ आई तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा मौका है किसी फिल्म करने का। लेकिन आप कॉन्शियसली ऐसा कुछ सोच के नहीं करता, वरना मिर्जापुर नहीं करता। हमारी फिल्म में जो कि जो ऑफ लेट जो फार्मर्स बिल को लेके जो एक मूवमेंट हुआ था उससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि उससे पहले हमने ये फिल्म शूट करी थी। आज हमारे लिए इतना वी आर सो इमोशनल ऑल ऑफ अस ऑल्सो इसलिए क्योंकि इस फिल्म ने बहुत कुछ सहा है, यू नो पेंडेमिक की दो वेव सही है, यू नो बहुत कुछ है, तो वी आर ओमिक्रॉन या एवरीथिंग, तो फिल्म में उसके बारे में बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक किसान का बैंक के लोन ना चुका पाने की वजह से आत्महत्या करना वो भी उतनी ही सीरियस बात है, उसको हमने छेड़ा है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डायलॉग भी आता है कि अक्सर देखा है गांव से काम करने लोग शहर जाते हैं, ये शहर के लड़के गांव आए, आई थिंक ये कहीं ना कहीं वापस शुरू होने लगा है। हम लोग काफी ऐसे लोग हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कि कहीं ना कहीं अपना छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अपने स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, और वापस वी आर गोइंग बैक टू आर रूट्स। तो आई थिंक वो दिन दूर नहीं है जब हम छुट्टियां मनाने शहर आएंगे और काम जाके वापस गांव में करा करें। तो हमने ये जो फिल्म शूट करी, हमने मध्य प्रदेश भोपाल के पास एक गांव है सीओर, वहां पे शूट करी। तो सबसे बेस्ट चीज तो ये होती थी कि हमारी वैनिटी वैन जो होती थी, तो आप अगर वैनिटी वैन का दरवाजा खोलेंगे तो सामने ग्रीन फील्ड्स होते हैं। तो एवरी डे मॉर्निंग एक्चुअली वो फार्मर्स ही थे सारे उस गांव में जिनके साथ हम लोग शूट करते थे, और वाइल शूटिंग द फिल्म उन लोगों के रिएक्शंस देखना, वो बहुत बहुत मजे से रोज आके बिना लगा शूट देखते थे और इस बात को देखते थे कि क्या क्या बात हो रही है। हम बात कर रहे थे कि कैसे फार्मिंग टेक्निक से आपकी फसल बेहतर हो सकती है, मिट्टी की जांच होनी चाहिए बुआई से पहले कि आपकी मिट्टी किस चीज के लिए बनी है। तो उन लोगों ने बहुत अच्छा रिएक्शन दिया उसके बारे में, उनको समझ आई वो सारी बातें। तो वाइल मेकिंग द फिल्म ऑल्सो यू फील दैट यू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ अ मूवमेंट, तो वो बहुत हार्टनिंग था हम सबके। आपने अपने जितने सवाल पूछे हैं ना, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये जो क्वेश्चंस है ना, ये सारे जो आपने पूछे उसका कहीं ना कहीं जिक्र फिल्म के अंदर 100% है। किसानों के मुद्दे को पढ़ता रहता हूँ इसलिए मुझे मालूम है। बिल्कुल आपने जो बात कही है, जो सवाल आपने किए हैं, उन सभी को एड्रेस किया है, करने की कोशिश की है इस फिल्म में, इवन सोल्यूशन के साथ। तो किसानों की जो प्रॉब्लम की आप बात कर रहे हो, मैंने इसीलिए उधर भी जवाब दिया था कि मैं अगर किसान को इस लायक
हो जाए हमारे देश का किसान, कि उसे किसी चीज की हेल्प की जरूरत ना पड़े। तो ये सारी जो सवाल हैं आपके, उन सभी में उसे परफेक्ट होना पड़ेगा, हर चीज में होना पड़ेगा, और उसको उस चीजों का सोल्यूशन किस तरीके से मिल सकता है वो इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की। इसके हेल्प की जो बात है ना, वो हम पे भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे। तो जैसे शहर के दो लोग ये तो भाई एक्सीडेंट पहुंचते हैं गांव में, लेकिन मेरा कहना है कि हमारे यहाँ इतने प्रोफेशनल्स हैं, यू नो वी हैव सच ब्राइट ब्रेन्स इन आवर कंट्री। अगर मैं साल के 365 दिन भी नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर आप साल के सिर्फ 30 दिन भी बांट बांट के अगर आप किसानों के साथ जाएं, वहां बात करें, तो यू नो बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। तो सबको मिलके करना होगा, यू नो आई थिंक हमको सबको बहुत मजा आया ये करते हुए, एंड वी आर सो ग्लैड दैट आपने ये चीज के बारे में बात करी। 10th के बोर्ड के एग्जाम्स थे, ठीक है, मैथ्स का पेपर था, बहुत खराब गया था। मैं घर वापस आया और मेरे ट्यूटर ने कहा बेटे क्या क्या सवाल करके आए हो आप? तो मैंने कहा जी ये। उन्होंने कहा इसके हिसाब से आपके 30 नंबर आएंगे, तो आपका फेल होना तय है। होप अब देखिए क्या हुआ, उस सेट में पता चला कि एक जो क्वेश्चन था 5 नंबर का वो आउट ऑफ सिलेबस था। आई गॉट 35। मैं 11th में पहुंचा और आज यहां तक पहुंचा। सीरियसली ये बात मेरे दिल के बहुत करीब है। और कोई अपनी होप की स्टोरी? इनामुल भाई आप बोले। मैं तो पैदाइशी आशावादी हूँ। मेरी एक कोट है कि मैं तो इतना आशावादी हूँ कि मुझे बर्ड फ्लू भी हो जाए तो उड़ने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने होप की रस्सी पकड़ी हुई है और निराशा के बादल को ऐसे खींच के पटकता हूँ, तो यहाँ तक पहुँचा हूँ, होप का ही नतीजा हूँ। इंशाल्लाह आगे भी पहुँचूंगा और ये फिल्म निकालूंगा। होप बहुत जरूरी है जिंदगी में। आपने मौका दे दिया इस पर लेक्चर देने के लिए, छोड़िए मत, पकड़ के रखिए उम्मीद की रस्सी। क्या बात है, इसी बात पे दिव्येंदु, हाँ वैशाली जी बोलिए बोलिए। देखें बहुत सारा डिप्रेशन केसेस होते हैं, सुसाइड केसेस होते हैं, हम हर बार अखबार में ये पढ़ते हैं। तो ऑब्वियसली हमारी एक छोटी सी कोशिश है, अगर आप आके फिल्म देखिए 6 May 2022, तभी आपको पता चलेगा ये दोनों यंग इंजीनियर्स कैसे सारी चीज को बदल देते हैं। और I think you should come and watch the film. So I am appealing everyone, ki do not get depressed, watch our film.